अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासरीन, ये बहुत दर्दनाक वाकया है। वाकया को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। बच्चे की पैदाइश के बाद डिलीवरी रूम से निकले 1 घंटा हुआ था। जिच्चा को अभी भी होश आया था, बदन में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। करवट लेना तो दूर की बात, हिलने में भी बेपनाह दिक्कत हो रही थी। इसने बड़ी मुश्किल से दाने हाथ को हरकत दी, कुछ टटोला, हाथ को कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर बाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की, कुछ नहीं, हाथ लगा, बेचैन हो गई। ख्याल आया कहीं नीचे ट्रक के तो नहीं गिर गया। ओ खुदाया, हिम्मत करके बामुश्किल पलंग के नीचे देखा, नीचे भी नहीं। घबराहट होने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें नुमाया हो गईं। दूर खड़ी नर्स को इशारे से बुलाया, होंठ हिलाए पर कुछ अल्फाज नहीं निकल सके। नर्स ने जिच्चा की घबराहट महसूस कर ली, इसकी आंखें भी नीम हो गईं। आखिर वो भी माँ थी, माँ की तरफ को कैसे ना समझ पाती। दौड़ कर इनक्यूबेटर रूम से नुजाइदा बच्चे को लाकर माँ के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ बहन, लो जी भर के देख लो। जीजा बोली, बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन मैं मोबाइल ढूंढ रही थी।